मंदसौर जिले के सीतामऊ थाने पर आजादी की 77वीं वर्षगांठ का अनूठा नजारा देखने को मिला है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर न सिर्फ पुलिस थाने पर आकर्षक विद्युत सजा की गई है, बल्कि थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति देशभक्ति के रंग में रंगे नजर आए हैं। इस दौरान न सिर्फ अपने साथियों के साथ देशभक्ति गीतों को गुनगुनाया है, बल्कि कर्तव्य निष्ठा का बोध भी कराया है। आजादी की 77वीं वर्षगांठ यूं तो देश भर में धूमधाम से मनाई गई। दिल्ली के लाल किले से लेकर देश के कोने कोने से शासकीय इमारतों को रंगीन रोशनी से सजाया गया। कुछ ऐसा ही नजारा मंदसौर जिले के सीतामऊ थाने पर देखने को मिला है। यहां पुलिस थाने पर आकर्षक रंग बिरंगी रोशनी करने के साथ हर तरफ तिरंगा लहराया गया। थाने के मुख्य द्वार से लेकर पूरे परिसर को शानदार सजाया गया। जिस थाने पर आने से सभी कभी लोग अपनी फरियाद लेकर जाने से डरते थे, आज उसी थाने पर सेल्फी लेते हुए नजर आए हैं। इतना ही नहीं, सीतामऊ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने माइक हाथ में थामा और देशभक्ति के एक के बाद एक गीत गाकर न सिर्फ पुलिस बल्कि आम जनता में देशभक्ति का जोश भर दिया। सीतामऊ थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति बदमाशों के लिए जितने कठोर माने जाते हैं, उतने ही दिन दुखियों और फरियादियों के लिए कोमल हैं। फरियादियों को त्वरित न्याय दिलाने और अपने मधुर व्यवहार के कारण उन्होंने आम जन में अपनी अलग पहचान बनाई है। खबर मध्य प्रदेश के ग्रुप एडिटर दीपक सक्सेना ने थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति से खास चर्चा की है, जिसमें उन्होंने जनसेवा और देशभक्ति को सर्वोपरि बताया है। समूचा भारत देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इन 77 वर्षों में हमने क्या परिवर्तन किया है, किस तरह के माहौल में हम आज को हिंदुस्तान को देख रहे हैं, उसका एक उदाहरण आज सीतामऊ थाने में हमें देखने को मिला। खबर मध्य प्रदेश का काफिला आज मंदसौर जिले के सीतामऊ थाने में पहुंचा, जहां पर 15 अगस्त को लेकर जिस तरह की तैयारियाँ की गई। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से एक समय था कि जहाँ लोग थाने में जाने से डरते थे, जहाँ सिपाही के सामने बात करने से या संवाद करने से डरते थे, लेकिन आज ऐसा माहौल जिस तरह से निर्मित हुआ है, उससे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, पास में हनुमान जी का मंदिर है, लोग प्रसाद ले रहे हैं। साथ ही थाना परिसर के द्वारा 15 अगस्त को लेकर मिठाई भी उन लोगों में वितरित की जा रही है। सुबह से ये सिलसिला जारी है। इन सबको संभव करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो होता है संबंधित थाना क्षेत्र या उस परिसर के सबसे बड़े वरिष्ठ अधिकारी का होता है, जो सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं। हमारे साथ हैं इस थाने के थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति, जो सुजानपुर सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में रहे हैं और इसी तरह से रहा। सर बताएं, 15 अगस्त है, लोग यहां पर ये किस तरह से सजावट और सजावट का क्या मन में था कि जो इसको इतना भव्य रूप दिया जा सके? हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश थे और उस निर्देश के आधार पर हमारे द्वारा कार्य किया गया। राष्ट्रीय पर्व है 15 अगस्त, निश्चित रूप से सबसे बड़ा पर्व है, महापर्व है। इसको काफ़ी उत्साह से मनाना चाहिए ताकि देशभक्ति की भावनाएं आम लोगों में जागृत होती रहे। प्रयास किया है अच्छे से सजाने का, अच्छी से सज्जा की गई है, लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट भी दिए गए हैं ताकि व्यक्ति विशेष आए, बच्चे आए और यहाँ देखे, भ्रमण करें, पास में मंदिर भी है, उसके भी दर्शन करें। सुबह से ही लोगों का अच्छे से आना जाना लगा है, उनको जो है लड्डू भी वितरित किए जा रहे हैं। ये सब प्रयास रहता है कि जागृति लाने का लोगों में, 15 अगस्त के लिए, हमारे देश के लिए देशभक्ति के भाव की जागृत करने के लिए हमारा प्रयास है और लगातार हम लोग जारी रखेंगे। पहले पब्लिक रिलेशन का जो पुलिस का उद्देश्य था, एक सिर्फ कागजों में था, लेकिन आज हम थाना परिसर में देख रहे हैं कि लोग आपसे आकर संवाद भी कर रहे हैं। निश्चित व्यक्ति अपनी पीड़ा को लेके, महिला अपनी समस्याओं को लेके किस तरह से थाना प्रभारी अपने यहाँ के कॉन्स्टेबल या सिपाही से संवाद कर सकती है? निश्चित रूप से पहले जब हम भी पुलिस विभाग में नहीं थे, पुलिस से काफ़ी डर सा महसूस होता था, परंतु अब ऐसा नहीं है। लगातार हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश है कि आम लोगों के बीच में जाना है, पुलिस को मैक्सिमम हमारे समाज में रहना है। समाज में कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा महसूस नहीं करे कि पुलिस से वो भयभीत हो। इवन यह पुलिस का इतना ज़्यादा रोल होना चाहिए कि अपराधी गण भयभीत हो, आम लोग काफ़ी पुलिस से अपने से संपर्क में आए और उनमें एक विश्वास जागृत हो, ताकि वो किसी प्रकार का कोई अपराध घटित होता है उनके साथ में तो हमेशा हम उनसे सहयोग प्राप्त कर सकें और बगैर कोई संकोच के हमें पूरी बात रख सकें, ताकि हम लोग लोगों से जुड़ेंगे तभी हम लोग लोगों की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। हमारे अधिकारियों के निर्देश है और हम लोग लगातार प्रायः तो सर हमने देखा है कि अधिकारी सिर्फ अपने कक्ष को ही सुंदर बनाने में जुट जाता है, लेकिन जिस तरह से पूरा परिसर ये 15 अगस्त के उसमें तिरंगे में नजर आ रहा है, लाइटिंग लगी हुई,
क्या क्या सोचा था और उन लोगों के लिए क्या प्रेरणा है जो वास्तव में कहीं ना कहीं सिर्फ कागजों में ही सफाई और स्वच्छता को रखते हैं। हमारा थाना वैसे ISO थाना हुआ है अभी और निश्चित रूप से पूरा स्वच्छ थाना है और प्रयास किया गया है कि ये थाना और स्वच्छ बनता रहे और इसमें पूरे टीम के हमारा सहयोग है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो है उनका बहुत निर्देश मिलता रहता है, उनके भी लगातार भ्रमण रहते हैं। इवन ये मंदसौर जिले के लगभग थाने सभी बहुत अच्छे से सज्जा की गई है 15 अगस्त को लेकर और ये निर्देश प्राप्त होते रहते हैं, हम लोग ऐसा काम। मेरा अंतिम प्रश्न सर, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने नारा दिया था कि सुशासन सुशासन भी रहे साथ में अपराधियों में पुलिस का भय भी रहे, इस बैलेंस को बनाने के लिए कितना संघर्ष एक सिपाही को करना पड़ता है? निश्चित रूप से सहयोग मतलब काफी प्रयास करने पड़ते हैं, लगातार जागृत होना पड़ता है, लगातार अपराधियों में डर सा पैदा भी रखना पड़ता है और हमारे द्वारा अभी काफी कार्रवाई भी यहाँ पे की गई। विगत 2 साल में थाना सीताऊ में अपराधियों के काफी जो माफिया अपराधी हैं उनके काफी घर भी हमारे द्वारा ध्वस्त किए गए हैं। कुछ आपराधिक घटनाएं ऐसी हुई जिसमें लगा कि ये वास्तव में कठोर कार्रवाई होना चाहिए तो की भी गई है और लगातार करते भी रहेंगे। सर बुल्डोजर को भी लेकर बुल्डोजर चलना चाहिए जिस तरह से उत्तर प्रदेश में चला, विभिन्न प्रदेशों में भी इसकी मांग। एक पुलिस एक कानून व्यवस्था के रूप में आप यहाँ पर व्यवस्थापक के रूप में बैठे हैं, क्या मानते हैं? वो तो जिसको जैसा ट्रीट करना चाहिए वो जरूरी है। कुछ अपराधी ऐसे हैं जिनका तो बुलडोजर और होना चाहिए उनके लिए, तो करते भी हैं ऐसा और करना भी चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ माफियाओं का काफ़ी है और ड्रग्स काफ़ी है, मतलब देखा जाए तो उन ड्रग्स को वालों को कंट्रोल करने के लिए, स्मगलर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने लगातार कार्रवाई भी की गई। बहुत काफ़ी माफिया और तस्कर थे जिनके घर भी हमारे द्वारा ध्वस्त भी किए गए हैं और निश्चित रूप से पीट NDPS बहुत बड़ी कार्रवाई होती है, वो भी कार्रवाई की गई है। जो कि संपत्ति संबंधी जितने भी ड्रग्स माफिया रहते हों यदि संपत्ति को गेन करते किसी प्रकार से तो उनके एक बड़ी कार्रवाई है जो कि लगातार की गई है। सर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कानून के बीच में एक राजनीतिक बड़ा हस्तक्षेप भी देखने को मिलता है, निश्चित उन डर के बीच में, उस डर के बीच में सिपाही को अपनी नौकरी को सुरक्षित निकाल कर जाना होता है, कितनी चुनौती है? मेरा तो मानना यह है कि आप अच्छा काम करेंगे तो कोई भी राजनीतिक संगठन आपके बीच में आएगा नहीं। निश्चित रूप से उनको भी लग जाता है कि यदि कोई गलत व्यक्ति है तो सपोर्ट नहीं करते हैं। अब सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो चुका है, अब दिखता है सभी को कि किसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही, कैसे कार्रवाई हो रही। हम लोग भी इसी चीज को रखते हैं, यही ध्यय रखते हैं कि तो कोई भी ऐसा नहीं लगा कि कोई भी ज्यादा कोई राजनीतिक प्रेशर डेवलप होता है, यदि होता भी है तो हम लोग यदि उनको पूरी बातें बताते हैं तो लगभग तैयार होते हैं इस चीज को। तो हालांकि आता भी है प्रेशर तो, पर यह है कि करना भी है आपको काम, तो करना यदि आप काम शुरू करेंगे तो सहयोग भी मिलना शुरू हो जाता है। एक अंतिम सवाल कि सीतामऊ थाने से यहाँ के मध्य प्रदेश के समस्त थानों तक एक संदेश जाए कि 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय पर्व, उसमें किस तरह से और भी अपने आपके सहयोगी साथी इसमें और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? पहले की पुलिस और अब की पुलिस में बहुत कुछ डिफरेंस हो चुका है और ये डिफरेंस जो है वो हमारे अधिकारीगण जो निर्देश दिए थे उन्हीं के आधार पर होता है। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय और हमारे DGP महोदय जो कि मध्य प्रदेश इस तरह से निर्देश देते हैं, निश्चित रूप से निर्देश सर्कुलर सभी जगह होते हैं, बट यह है कि सर्कुलर होते हैं उसको फॉलोअप करना हमारी जिम्मेदारी है, तो हम उसको जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से काम करते रहेंगे तो हम लोग काफ़ी चेंजेस ला सकते हैं। जैसे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश दिया, हमने उसको जिम्मेदारी को लेकर हमारे पूरे आज पूरे जिले में जितने थाने लगभग सभी ने बहुत अच्छी सज्जा की है, तो ऐसा सभी लोग प्रयास करते रहेंगे तो होता जाएगा चेंजेस। और बट इससे सबसे अच्छा फायदा ये रहता है पुलिस के प्रति एक विश्वास लोगों में जागृत होता है और वो विश्वास से ही हम लोग आगे जीत में जाते हैं। किसी भी अपराधी की जानकारी भी हमें पब्लिक से ही मिलती है, यदि पुलिस के प्रति विश्वास ही पब्लिक नहीं करेगी तो कैसे कर पाएंगे? तो ये जागृति पुलिस के प्रति विश्वास लाने के एक तरीका है पब्लिक के बीच में, तो आम नागरिकों को जो हम लोग प्रयास करते हैं इसी कुछ ना कुछ तरीके से हमारे साथ में जुड़ते चले जाए। ये थे सीतामऊ थाने के थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति। खबर का सारांश सिर्फ इतना है कि अगर राष्ट्रीय पर्व हो या कोई भी पर्व हो या अपनी ड्यूटी हो, अगर उसको सकारात्मक भूमिका से निभाई जाए तो निश्चित एक उदाहरण बन सकती है। मध्य प्रदेश के समस्त थानों के लिए आज सीतामऊ का थाना एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ है। खबर मध्य प्रदेश के लिए अपने सहयोगी ओम के साथ दीपक सक्सेना की।